Very good morning to all of you, and today we are going to start the exercise of chapter 11 biotechnology, its principle and applications. Okay, so actually we had completed earlier this chapter in which we had described the different processes in which we are going to use, how to apply biotechnology and what are the main things like restriction, endonuclease, plasmid, host cell, and what are the tools for we are using, like PCR, gel electrophoresis. So these things we had studied very earlier in the class, and the remaining topic in this chapter is exercise of chapter 11 and chapter 12 also. So your question number 1 says, I am going to do the book exercise, okay? So question number 1 says, can you list 10 recombinant proteins which are used in medical practices? Find out where they are used as therapeutics. So हमें 10 ऐसे recombinant proteins की list बतानी है जो हमें medical में या कहीं therapeutic drugs के form में या किसी के उपचार के अंदर हम use करते हैं. तो इसका answer है, आपने देखो जो chapter 12 है ना, जिसके अंदर हम biotechnology के main applications देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमने human insulin बनाया है ना. तो ह्यूमन इंसुलिन किसके अंदर यूज हुआ है? डायबिटीज को ट्रीट करने में. डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना. देन नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. Human growth hormone. जो किसको? ड्वार्फिज्म को क्योर करने में. इसके अंदर है Y1H या फिर 9th हीमोफीलिया. ठीक है ना. फोर्थ नंबर पे टिश्यू प्लाज्मिंगोजेन एक्टिवेटर. टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड दिस इज यूज्ड फॉर क्योर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स. हीलिंग में काम आता है. 6th है इंटरफेरोन्स. जो हमें वायरल इंफेक्शन होता है ना, तो समटाइम्स आपको याद हो तो सेल अल्फा इंटरफेरोन्स रिलीज करती है, तो बस ये बिल्कुल वैसा ही है.
next 7th जो है इंटरलिंकिंग क्या करता है आपका एनहेंस इम्यून रिएक्शन देखो इसके अंदर प्लांट वाले नहीं लिखने, प्लांट वाले आपको याद हो तो ज्यादा इजी है। ये क्या थेरेप्यूटिक फॉर्म के अंदर जो यूज आ रहे, सो जितने आपको याद हो सके वो तो लिखना ही है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओके। देन 9th क्या कह रहा है हर्पीज वैक्सीन, और 10th है आपका डीएनएज 1 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, डीएनए 1 ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर? तो ये टोटल 10 है, वापस देख लीजिए आप कौन कौन से है। इम्यून, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरोन्स, इंटरलिंकिंग, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हर्पीज वैक्सीन एंड डीएनए 1, ओके। ये हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए। देन क्वेश्चन नंबर 2 सेज मेक अ चार्ट शोइंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द सबस्ट्रेट डीएनए ऑन व्हिच इट एक्ट्स द साइट एट व्हिच it cuts and the product is the product it produces, ठीक है? तो कौन सी साइट पे ये कट करता है? तो जैसे सपोज करते हमने ई कोलाई वाला जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया, तो वो एडिनिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है। अभी हम बैम एच आई वाला लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी हैड यूजेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम एच आई, ओके। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ, इसके अंदर क्या है आपका जी जी ए टी सी सी, ये जी जी A T C C, ठीक है ना? ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये कहाँ कट करता है? ये हमेशा कट करता है G और G के बीच में से, यहां से ये कट कर। तो इसका कटिंग पोजीशन हम देखते हैं, जो कि है यहां से कट डालेगा और यहां से कट डालेगा, ठीक है ना? सो दो कट आपको अलग अलग नजर आ रहे, ठीक है? तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा फ्रेगमेंट बन जाएगा। देखते हैं हम वापस, देखो ये आपका बन गया है जी सी, C, T, A,
बन गया। ठीक है ना, दूसरा फ्रेगमेंट जी ए टी सी सी और इससे अटैच है यहाँ पे जी, तो दूसरा फ्रेगमेंट ये बन गया। तो इस तरीके से सेपरेट हो गए, कटिंग डाउन भी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, From what you have learned, can you tell whether enzymes are bigger or DNA is bigger in molecular size? तो ये पूछा है कि enzymes जो है वो बड़े होते हैं size में या फिर DNA जो बड़ा होता है size के अंदर। तो इसके अंदर तो कोई क्या कहते हैं size के अंदर differentiation के अंदर कोई confusion तो है ही नहीं, क्योंकि DNA क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ऑब्वियसली ये बिगर मॉलिक्यूल होगा ना। इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन की दिक्कत है ही नहीं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बट डीएनए जो आपने लेंथ भी निकाली होगी, नो डाउट प्रोटीन भी बड़े होते हैं, बट अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो जो है ना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होता है वो रेगुलेटेड किया जाता है डीएनए के छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स के थ्रू, जिन्हें हम जीन कहते हैं, एंड प्रोटीन इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। हमने ट्रांसलेशन करवा है किसके थ्रू करवा है, डीएनए के। तो इतने सारे फैक्ट्स है तो हमें नो इसमें तो कोई क्वेश्चन के आंसर के अंदर डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन ह्यूमन सेल, कंसल्ट विथ योर टीचर। तो मॉलिक्यूलर जो डीएनए की कंसंट्रेशन होते है एक सेल के अंदर वो होती है 2 mg/mL। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं तो नहीं, नो यूकैरियोटिक सेल्स, आपने देखा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने किससे निकाले, जब उसका नॉमेनक्लेचर किया था हमने तो बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरियाज आर नॉट यूकैरियोटिक सेल्स, फाइन, तो उनके अंदर तो है ही नहीं। अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल का वो हाईली मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, लिख देती हूं मैं, डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज हाईली मिथाइलेटेड, बहुत ज्यादा मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, बिसाइड बैटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, व्हाट अदर एडवांटेज टू स्टे स्टाइड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव ओवर शेक फ्लास्क, कि बायोरिएक्टर्स में ऐसी क्या चीजें होती है। क्या है जो हम फ्लास्क के अंदर मतलब नहीं दे पाते, ठीक है ना,
तो पहला तो है, इसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स आर पीरियोडिकली विदड्रॉन फ्रॉम डाई रिएक्टर और सैम्पलिंग। दूसरा है, इट हैज अ फोम कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम मैन्युअली नहीं दे सकते, और फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेबिलिटी थ्रू द बायो रिएक्टर। तो समझ में आया आपको? एक तो फैसिलिटेट करता है, ठीक है, एरेशन वगैरह को सबको फैसिलिटेट करता है। दूसरा, ये चैकिंग करता है, और जो हम मैनुअली जो मिक्सिंग कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, वो बायो रिएक्टर्स सारा कर देते। तो मैं लिख देती हूँ, पहला प्रॉपर एरेशन, स्मॉल वॉल्यूम्स कल्चर्स ऑल्सो पॉसिबल। डिफरेंट चेक पॉइंट्स, चेक्स पॉइंट भी है, जैसे O2, pH, टेम्परेचर, ये सब भी ये देख लेगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। और थर्ड हम लिख सकते हैं, इवन मिक्सिंग कर देता है। जो हम एक फ्लास्क के अंदर ऐसे 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 हिला के नहीं कर सकते, तो बायो रिएक्टर प्रॉपर एरेशन देता है। उसके अंदर वो क्या लगे हुए, फिल्टर्स, फिल्टर क्या, वो नीचे रिएक्टर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जो इनको मिक्स वगैरह एयर जो है अच्छे से प्रोवाइड करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ पैलिएंड्रोनिक सीक्वेंस, डीएनए, बेटर ट्राई टू क्रिएट अ पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस बाय फॉलोइंग बेस पेयर्स। तो देखो, मैं आपको एक बता देती हूँ, पैलिएंड्रोनिक सीक्वेंस, जैसे आपने जी जी ए टी सी सी किया, कौन से 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो इधर वाली सीक्वेंस क्या होगी, जी जी ए टी सी सी। तो इस तरीके से आपको 5 सीक्वेंस बनानी है। कोई भी आप सीक्वेंस के अंदर कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स होते हैं, बट पैलिएंड्रोनिक सीक्वेंस बनानी है जो यहां से और यहां से रीड करने पे सेम नजर आया, ठीक है, इधर से और इधर से रीड करने पर सेम नजर आए। तो लाइक दिस आप अपने मन से बहुत इजीली, क्योंकि मैं बनवा दूंगी तो आपको क्या है वो बेस पेयर वाला रूल जो है वो भी फॉलो करना है इसके अंदर, और कंप्लीट सीक्वेंस बना देना। कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकॉम्बिनेशन डीएनए इज मेड। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो ये होता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, और प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज है, पैकाइटीन, पैकाइटीन में ये होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय फॉरेन जीन इन एडिशन टू सेलेक्टेबल मार्क। तो ये जो हमारा इन्होंने पूछा है, रिसेप्टर जीन्स जो है वो सॉरी रिपोर्टर जीन्स जो है वो क्या वर्क करते हैं जब हम सेलेक्टेबल मार्कर के साथ उसको यूज करते हैं। तो देखो, रिपोर्टर जीन का एक ही काम है, रिपोर्टिंग देना, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे ये डीएनए है, इसके अंदर ये इतना हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए डाला हुआ। अब हमें इसका एक्सप्रेशन देखना है, तो पता कैसे चलेगा, इसके साथ
ये सेलेक्टेबल मार्कर, इसके साथ हम एक रिपोर्टर जीन डाल देते हैं। तो जैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सपोज करते हैं ये मैंने बायोल्यूमिनेसेंस वाला जीन डाला, तो इसका एक्सप्रेशन प्लस साथ में इसका एक्सप्रेशन क्या था, लाइट एमिट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट ट्रांसफर हुआ है। इस तरीके से रिपोर्टर जीन जो है वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई रीजन, द स्मॉल सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड एसेंशियल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल के लिए जो है जो सीक्वेंस एसेंशियल होती है, स्मॉल एसेंशियल सीक्वेंसेस, डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर कितनी होती है, मोर देन वन। और प्रोकैरियोट्स के अंदर वन। बायोरिएक्टर्स, तो बायोरिएक्टर ये आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, इसके अंदर ये व्हील्स बनाने हैं आपको, ठीक है। ये एयर बबल्स नजर आ रहे हैं इस तरीके से सारा। अभी हमने बायोरिएक्टर्स को पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले, 3 पॉइंट्स की पीएच चेक कर लेता है सारे एक साथ, हम जो है जो भी एसेंशियल थिंग्स है वो डाल देंगे, ओ टू चेक कर लेगा, नहीं होगा तो एरेशन के थ्रू, यहाँ से एरेशन दिया जाता है ना उसको, उसके थ्रू क्या है ओ टू दे देगा, और इवन मिक्सिंग करता है। तो ये और लार्ज इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो बायो रिएक्टर के अंदर ही बनाना पड़ता है। और थर्ड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, कि हमने सब कुछ बना लिया, वी हैड प्रिपेयर थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बट नाउ चेकिंग, उसकी चेकिंग करना, इज देयर इज एनी काइंड ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन और दे आर नॉट गुड प्रोडक्ट, और यू कैन फिल्टर प्यूरिफाई द प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन होता है। Preparing mass product बनाने के बाद इनको purify करना and then sell out, फिर उनको sell out कर देना, ये होता है downstream process। Explain briefly PCR restriction enzyme, DNA chitinase enzyme। तो मैं बता देती हूँ आपको PCR क्या है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन नंबर 11। देखो PCR क्या होता है, वापस समझा देती हूँ। PCR की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, ये PCR होता है। अब इसको हम यूज किस में करते हैं, जो एक मेन इक्विपमेंट होता है,
सा होता है? थर्मोसाइक्लर होता है, ठीक है। थर्मोसाइक्लर के थ्रू जो है हम यूज करते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन करवाएंगे। इसके अंदर देखो तीन स्टेप्स आते हैं। पहला है डी नेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है आपका एक्सटेंशन। ठीक है, ये तीन स्टेप है और ये क्या है, टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक है। दिस इज द टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक। क्या हुआ, एक आपका डीनेचुरेशन, ये हमने डीएनए बना दिया। सर ये ओवरराइटिंग हो गई है, जस्ट मिनट, इसको इरेज करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में इसी के सामने बना देती हूँ, ये आपका डीएनए था, ठीक है ना। 5' से 3' और 5' टू 3'। अब ये डीएनए लेके आए आप, इसका डीनेचुरेशन, एक सिंपल सा आप छोटा सा जो भी डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट था वो लेके आ गए। डबल स्टैंडर्ड होता है, हम लेके आ गए डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन किया जाता है आपका 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। डीनेचुरेशन किया, क्या हो गया, ये हमें दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए। ये दो आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर क्या है, छोटे छोटे से स्मॉल आपको आरएनए प्राइमर्स इसके अंदर ऐड करने। सपोज करते हैं ये आरएनए प्राइमर है, ये यहाँ पे इसको बनाएगा, ये आरएनए प्राइमर है, ये यहाँ से इसको बनाएगा। अगेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही बनाना है हमें बनाने के। प्लस अब इसके अंदर ये तो आरएनए प्राइमर है, पॉलीमरेज भी तो यूज करना पड़ेगा। बट देखो इसका टेम्परेचर क्या होता है, 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 50 मिनिमम इसलिए रखा जाता है कि ये जो है आरएनए प्राइमर्स जो है ऐड हो जाए इसके ऊपर। 50 क्यों रख रहे हैं, आरएनए प्राइमर इसके ऊपर ऐड हो जाए। और 70 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, वो है टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। टैक पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, उससे पॉलीमरेज लिया गया जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क कर सकते, हमारे वाले नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई। तो ये क्या हो गया, एनिलिंग। और लास्ट है आपका एक्सटेंशन, कि खत्म करना है बस। अब ये हमने बना दिए, ठीक है ना। तो देखो एक डीएनए फ्रेगमेंट से इतने सारे हमने फ्यू नैनो सेकेंड्स के अंदर हमने निकाल लिए। तो आप देख सकते हो एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर चलता है वो 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, ठीक है। ये आपका पीसीआर। तो ये क्या है, टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक है। इसको तीनों जो रिएक्शंस होंगी उनके अंदर अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी से डायग्राम है। और ऐसे जब 30 साइकल्स हो जाएंगे तो उसके अंदर आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगी, ठीक है। 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगी डीएनए की। तो ये था पीसीआर। नेक्स्ट क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर क्या है। क्या होते हैं ये,
मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाने जाते हैं, स्पेशल इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, वहीं से ये कट करते हैं। इनका नॉमनक्लेचर आप समझा देना, जैसे एक एग्जांपल लिख देती हूँ, ई को आर आई, तो ई क्या होगा, इसेरेशिया, को क्या है उसकी स्पीशीज, आर क्या है उसका स्ट्रेन, और नंबर वर्ग इसको निकाला गया था, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए। डीएनए को आप समझा ही सकते हो, और थर्ड है काइटिनेज एंजाइम। काइटिनेज एंजाइम क्या है, पर्टिकुलर सेल वॉल को डिग्रेड करता है, जो कि डीएनए आइसोलेशन में, डीएनए आइसोलेशन के अंदर हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।